भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए 4 स्पिनरों को चुनने को लेकर टीम मैनेजमेंट की राय साफ थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिरी 15 खिलाड़ी चुनने में आईपीएल का ज्यादा रोल नहीं रहा। आई डेफिनेटली वॉन्टेड 4 स्पिनर्स। वी प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट देयर। वी नो व्हाट द कंडीशंस आर लाइक। द मैच स्टार्ट्स एट प्रोबेबली 10 o'clock in the morning, 10:30. So, yeah, there's a little bit of technical aspect involved in this. Maybe in the first press conference when I do in West Indies, I'll give more detail on this. T20 World Cup team में 4 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाजों को जगह दी गई है। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल रिस्ट स्पिनर हैं, जबकि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ऑलराउंडर हैं, जो लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। रोहित ने कहा कि उन्हें टीम में 4 स्पिनर चाहिए थे। कप्तान के मुताबिक इन 4 स्पिनरों में से 2 ऑलराउंडर हैं, जबकि बाकी दोनों अटैकिंग गेंदबाज हैं। उनका कहना है कि ये स्पिनर टीम को बैलेंस देने के अलावा विरोधी टीम के हिसाब से गेंदबाज तय करने की छूट भी देते हैं। What can be done, because the pitch is there. I don't know, we've never played in New York, so I don't know how the pitch will be there. We played in West Indies, but again in West Indies as well, we are playing in different venues every game. So you've got to mainly first understand what the pitches will be like, and what sort of combination you need based on, you know, the opposition composition as well, what kind of teams they are playing as well. भारतीय टीम का सिलेक्शन मंगलवार को किया गया। रोहित ने कहा कि मिडिल ओवरों में टीम की जरूरत का काफी ध्यान रखा गया। शिवम दुबे को रिंकू सिंह पर तरजीह देने पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं।